फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीता विमल और मेरी बगिया में आप सबका स्वागत है। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली बार जो है ये ब्रह्म कमल का पौधा आपसे शेयर किया था, जिसमें कि फ्लावर भी खिला हुआ था, और साथ ही मैंने ये बताया था कि मैंने इस पॉट में जो है इसको प्रोपोगेट किया था। एक मैंने लीफ से किया था और एक स्टेम से किया था। तो इसमें जो है प्लांट तैयार हो गया है, ये मैंने लास्ट ईयर इसमें लगाया था, और अब जो है टाइम आ गया है कि एक इसमें से जो है मैं प्लांट निकाल के अपने एक फ्रेंड को गिफ्ट कर दूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो मैं छोटा सा बना लूं, क्योंकि अभी तक मैंने भी इसका रूट सिस्टम देखा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने लगा के रखा था पॉट में वैसा ही है। और इसके साथ ही जो है मैं आपको भी दिखा देती हूँ इसका रूट सिस्टम किस तरह से डेवलप हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले जो ये पॉट है ना, ये प्लास्टिक का पॉट है, तो फ़ायदा है थोड़ा साइड साइड से इसको प्रेस करने का, इससे जो है मिट्टी लूज़ हो जाती है। और उसके बाद अब जो है मैं इसको बॉटम से टैप करके पूरा जो है मिट्टी गमले के शेप का ही निकाल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने निकाल लिया है। अब इसका जो इसमें जो मैंने प्लांट्स लगाए थे ना, हमेशा जो है जब भी हम लोग कोई भी प्लांट प्रोपोगेट करते हैं ना, तो कम से कम 3-4-5 कटिंग्स तो लगानी ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे ही सर्वाइव कर जाएं। तो मैंने इसमें 4 लगाए थे, उसमें से सिर्फ 2 ही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं मिट्टी हटाते हुए। ये देखिए, मैंने चारों के चारों निकाल लिए हैं। ये जो आप देख रहे थे ना, मैं भी आपको दिखा रही थी कि इसमें कोई स्प्राउटिंग नहीं दिख रही थी, लेकिन फ्रेंड्स देखिए, इसमें भी जो है रूट सिस्टम डेवलप हो गया है। तो इसको मैं संभाल के रखती हूँ, और ऊपर से इसमें भी कोई स्प्राउटिंग नहीं दिख रही थी। ये मैंने दोनों जो है पत्ते से प्रोपोगेट किया था, लेकिन देखिए इसमें भी रूट आ गए हैं, इसका मतलब ये लग जाएगा। ये वाला मैंने स्टेम से किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा रूट सिस्टम डेवलप हो गया है। और ये देखिए, इसमें तो काफ़ी बड़े पत्ते भी आ गए हैं। और दूसरा भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा रूट सिस्टम डेवलप हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि मैंने जो 4 पौधे लगाए थे, 4 स्टेम या लीव्स, 2 और 2 स्टेम लगाए थे, तो चारों के चारों जो है सक्सेसफुली प्रोपोगेट हो गए हैं। बस उसको जो है स्प्राउटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वो मैं जो है दोबारा से मिट्टी में डाल दूंगी। और ये वाला जो है ना, अब मैं इसको भी जो है एक छोटे से पॉट में लगा के रखूंगी, और जब भी मेरी फ्रेंड मेरे घर आएंगी या फिर मैं उनके घर जाऊँगी तो मैं लेकर चली जाऊँगी। तो इसको मैंने एक छोटे से पॉट में लगा दिया है, 4 इंच के पॉट में। थोड़ी सी मिट्टी और डाल देती हूँ। तो ये मैंने तैयार कर दिया है, इसमें बस हल्का सा पानी डालूंगी और इसको छाया में रख दूंगी। अब मैंने इनको निकाल ही लिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी जो है बड़े पॉट में लगा देती हूँ, और उसके आसपास ये जो 2 तैयार हो रहे हैं प्लांट्स, इसको भी मैं लगा दूंगी। तो हो सकता है कि नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जो है मेरे ये वाले प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे ब्रह्म कमल के, और इनमें भी फूल आएंगे। तो यही मैं आपको दिखाना चाहती थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।